वेलकम टू संसार ग्रीन और मैं हूं पंकज। दोस्तों अगस्त का महीना आ गया है और आप बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं कि अगस्त के महीने में कौन सा सब्जी लगाए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अगस्त के महीने में कौन सा सब्जी लगा सकते हैं और गमले में कौन कौन सा सब्जी को आप किस तरह लगा सकते हैं। ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। अब मैं आपको बता दूं आप अगस्त के महीने में कौन कौन से सब्जियां लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये मैंने ढेर सारी सब्जियों के रेंज रखा है। आप अगस्त के महीने में ढेर सारे सब्जियों के रेंज लगा सकते हैं क्योंकि अगस्त बरसात का मौसम होता है। आप कोई भी तरह का बीज लगाएंगे तो वो आसानी से लग जाएगा और कुछ महीने के बाद जाड़े शुरू हो जाएंगे। अगर आप ये सब्जी अगस्त के महीने में अभी लगा देते हैं तो आपको जाड़े तक इसके सब्जियां मिलते रहेंगे। आप जानते ही हैं जाड़े में आपको ढेर सारे सब्जियों के वैरायटी देखने को मिलते हैं। तो चलिए मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। ये मैंने ढेर सारे बीज रखा है। जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट रो में हमने लताव वाली सब्जियां रखा है। इसे आप 20 इंच के गमले में लगा सकते हैं। ये 20 इंच के गमले में बहुत आसानी से निकलेगा और आप इसके और ढेर सारे इसके फल भी आएंगे। और ये मैंने कुछ साग के बीज रखा है। वैसे तो साग के बीज को आप गमले में लगाएंगे तो आपको एक या दो मिलेंगे, लेकिन आप इसे मिट्टी में क्यारी बना के लगाएंगे तो आपको ये ढेर सारे साग मिलेंगे। और इसमें मैं कुछ छोटे पौधे को रखा हूँ जैसे मिर्ची, टमाटर, भिंडी। इसे आप 10 से 12 इंच के गमले में लगा सकते हैं, उसमें ये आसानी से लग जाएंगे। इसके अलावा आप पत्ता गोभी, फूल गोभी या चाइनीज़ गोभी को भी आप 8 से 10 इंच के गमले में उगा सकते हैं। गाजर, मूली या चुकंदर को आप 1 से 2 लीटर के पानी के बोतल में भी बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं। तो चलिए आपको मैं ये करके दिखाता हूँ कि आपको इसे लगानी कैसे है गमले में। कोई भी क्लाइंबर वेज जैसे नेनुआ, झींगी, करेला, लौकी, खीरा, कैंता उगाने के लिए आपको पहले सीडलिंग ट्रे में इनको उगा लेना चाहिए। जो आपके छोटे छोटे सीडलिंग तैयार हो जाएंगे उसके बाद इनको बड़े गमले में लगाना अच्छा रहता है। ऐसी सब्जियां उगाने के लिए 40% कंपोस्ट और 60% गार्डन सॉइल का मिक्सचर बहुत ही अच्छा रहता है। आप बड़े आकार के गमले जैसे 20-25 इंच के गमले का इस्तेमाल करें तो सब्जियां अच्छी उगेंगी। आप चाहें तो सीधे बीज से भी शुरुआत कर सकते हैं, पर ध्यान रखें कि 20-25 इंच के गमले में भी 4 पौधे से ज़्यादा आपको नहीं रखना है। इनको प्रॉपर स्पेस चाहिए, 2 प्लांट्स के बीच में स्पेसिंग रहेगी तो ही प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा और फ्रूट बियर करेगा। बीज लगाने या पौधे लगाने के बाद वाटरिंग हमेशा ज़रूरी होती है। प्रॉपर वाटरिंग करनी चाहिए, पॉट वेलड्रन ही रहना चाहिए। जितनी भी लताओं वाली सब्जियाँ हैं उन्हें प्रॉपर सनलाइट यानी पूरी धूप, खुली धूप चाहिए होती है। इनको फैलने के लिए आपको सपोर्ट देना पड़ेगा। आप स्टैंड बनाएं, रस्सियों से सहारा दें या इनको अपनी बालकनी में ट्रेल करें, पर सनलाइट इनको मिलनी चाहिए। आप बहुत सारी अलग अलग वैरायटी की क्लाइंबर वेज एक ही जगह लगा सकते हैं। एक गमले में 2 या 3 या 4 वैरायटी की भी क्लाइंबर वेज लगा सकते हैं, पर प्रॉपर फैलने के लिए जगह चाहिए, सपोर्ट चाहिए। आप इस तरह के स्टैंड भी बना सकते हैं। दूसरे तरीके से भी आप इनकी वाइन्स को फैलने के लिए जगह दे सकते हैं, तो काफ़ी सारी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होती रहेगी। आप अभी अगस्त के महीने में कोहड़ा, पंपकिन या कद्दू भी लगा सकते हैं। इनमें भी जाड़े का दिन आते आते फ्लावरिंग होने लगेगी, फ्रूटिंग होने लगेगी और आपको टेस्टी सब्जियां घर से ही खाने को मिल जाएंगी। आप अभी करेला, लौकी, सीम, बोड़ी, बहुत तरह की सब्जियां लगा सकते हैं और ये गमले में आसानी से ग्रो करेंगी। हर 15 दिन पर गमले की मिट्टी में से घास निकाल दीजिए, उर्वरक डालिए। आप जैविक खाद का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। जो किचन वेस्ट से तैयार खाद होती है या गाय के गोबर की खाद होती है उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि सब्जियां आती रहें। हाँ, लौकी जैसी सब्जियों पर आप 3G 4G कटिंग भी कर सकते हैं, उसकी वीडियो हमने पहले से डाल रखी है। फूल गोभी, पत्ता गोभी, चाइनीज़ गोभी या फिर मिर्ची, टमाटर, बैंगन जैसे पौधे आपको 2 बार लगाने होते हैं। सबसे पहले बीज लगाना होगा जिससे सीडलिंग तैयार होगा
और फिर छोटे छोटे पौधों को आपको अलग अलग गमलों में लगाना पड़ता है जो 8 से 10 या 12 इंच के हो सकते हैं। इतने बड़े गमले में ये प्रति गमला एक ही पौधा लगाया जाता है जिससे कि उसमें सही आकार के फल आते हैं। एक बार फिर हम पहले की ही तरह मिट्टी तैयार करते हैं जिसमें 60% नॉर्मल गार्डन सॉयल और 40% कंपोस्ट या गोबर की खाद मिली होती है। याद रखें, हमेशा अच्छी मिट्टी होनी चाहिए। मिट्टी उपजाऊ होगी तो ही उपज आपको मिलने वाली है, वरना पौधे लगाना बेकार हो जाएगा आपके लिए। मिर्ची, टमाटर, गोभी जैसी सब्जियों को भी फुल सनलाइट यानी कि रोजाना 4 से 5 घंटे की खुली धूप चाहिए होती है, तो ऐसी जगह लगाएं जहां धूप आती हो, वरना आप बड़े मिरर से भी लाइट रिफ्लेक्ट करके यहां तक पहुंचा सकते हैं। ये साइंस का इस्तेमाल है, टेक्निक का इस्तेमाल है, मगर बहुत ही उम्दा है। मिर्ची, टमाटर, गोभी या बैंगन जैसे नन्हे बीजों को उगाने से पहले 3-4 घंटे पानी में भिगो लेना अच्छा रहता है जिससे सीड जर्मिनेशन जल्दी होती है। कोई भी अच्छी पोली मिट्टी में इन बीजों को छिड़क दें, ज़्यादा गहरे मत दबाएं और हल्के हाथों से पानी डाल दें जिससे कि बीज 3 से 4 दिन के अंदर उगाएं। बीजों के उगने तक इन्हें आपको शेड में यानी छाया में रखना होता है, रेगुलर वाटरिंग करनी होती है और कुछ ही दिन में छोटे छोटे पौधे उग आते हैं। 3 से 4-5 इंच तक के पौधों को आपको अलग अलग पॉट में लगाना जरूरी हो जाता है। 10 से 12 इंच तक के गमलों में आप इन्हें लगा सकते हैं। ट्रांसप्लांटेशन की प्रक्रिया यानी पौधे को निकालकर एक जगह से दूसरे जगह लगाने की प्रक्रिया हमेशा शाम के समय करें और 1 से 2 दिन तक ट्रांसप्लांटेशन के बाद पौधों को छाया में ही रखना बेहतर होता है। इसके बाद गमले को धूप में प्लेस कर दें, रोजाना सुबह शाम पानी दें और इनका ख्याल रखें। लगभग 2 महीने के बाद इन पौधों में फूल का आना शुरू हो जाएगा जो बाद में फल में तब्दील होंगे, और आप समय समय पर इनकी तुड़ाई करते रहेंगे तो लगातार फल आते रहेंगे। हर बार फलों की या सब्जियों की तुड़ाई करने के बाद जड़ों की गुड़ाई करना, उसमें खाद डालना और पानी डालना बेहद ज़रूरी है। वैसे भी वाटरिंग तो रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, रोजाना सुबह या शाम फिक्स टाइम में पानी देना चाहिए। भारत में वैसे तो साग बहुत ज़्यादा खाई जाती है, फिर भी आप चाहें तो इन्हें बड़े आकार के ग्रोइंग बैग या गमले में उगा सकते हैं। इनके छोटे काले बीज होते हैं जिन्हें भिगोने की ज़रूरत नहीं होती है। सीधे गहरी पोली, अच्छी पोली मिट्टी में इनके बीज डालें और वाटरिंग करें। 3 से 4 दिन में ही नन्हे पौधे उगाते हैं, रेगुलर वाटरिंग ज़रूरी होती है और इन्हें 1-2 घंटे की धूप में भी उगाया जा सकता है। मिट्टी की क्वालिटी अगर अच्छी है यानी मिट्टी उपजाऊ है तो साग की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। ये बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाले पौधे हैं। लाल और हरे साग दोनों के ही पौधे तेज़ी से ग्रो करते हैं। आप इन्हें बीच बीच में गोबर की खाद या कंपोस्ट से फर्टिलाइज कर सकते हैं। रेगुलर वाटरिंग कीजिए वरना पौधे मुरझाने में देर नहीं लगेगी। मात्र 40 से 45 दिन में ये साग तोड़ने के लायक हो जाते हैं। जड़ से कभी भी ना उखाड़ें, ऊपर से पत्तियों को तोड़कर इस्तेमाल करेंगे तो ये वापस से रीग्रो होंगे और आप इनको फिर से दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही पौधे से 5, 6 या 7 फसल भी ली जा सकती है। आज की वीडियो में मैंने तो बीज से लगने वाली सब्जियों के बारे में आपको डिटेल से बताया हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको कटिंग से लगने वाली सब्जियों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अगस्त के महीने में आप ढेर सारी सब्जियां लगा सकते हैं, इसलिए कटिंग से भी बहुत सारी ऐसे सब्जियां जिसे आप डायरेक्ट कटिंग से भी लगा सकते हैं। तो ये मैं जानकारी आपको आने वाली अगली वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। तब तक आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।